दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IPO के बारे में। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार प्राइवेट से पब्लिक होती है तो उसे हम IPO बोलते हैं। जब कंपनी अपना IPO रिलीज करती है तो लोग कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं और वो पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास चला जाता है, जिससे कंपनी ग्रो करती है। जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपना IPO रिलीज करती है तो सबसे कम प्राइस पर उसी वक्त आपको शेयर्स खरीदने के लिए मिलते हैं। IPO रिलीज होने के कुछ ही दिनों के बाद या तो शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है। दोस्तों जब आप IPO के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत कम चांस है कि वो IPO आपको मिले, क्योंकि IPO के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और मार्केट में लिमिटेड ही शेयर्स होते हैं, इसलिए सभी को शेयर्स मिल पाना इम्पॉसिबल है। और आप IPO में 100-200 रुपये लगाकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। IPO में आपको लॉट्स में शेयर्स को बाय करना होता है और हर कंपनी का लॉट साइज अलग अलग होता है। तो दोस्तों बात करते हैं हम IPO में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रो ऐप का यूज़ करता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इसे डाउनलोड कर ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक IPO वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो IPO क्लोज हो चुके हैं वो आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहे हैं और जो IPO लिस्टेड हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी किसी भी कंपनी का IPO ओपन नहीं है। जो IPO ओपन होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिस्टेड IPO पेंटागन रबर को ओपन कर लेते हैं। ये IPO भी कुछ ही दिनों पहले लिस्टेड हुआ है। जब ये IPO रिलीज हुआ था तो इसके एक शेयर का प्राइस 65 से 70 रुपये था, लेकिन आज इसके एक शेयर का प्राइस 117 रुपये से ज़्यादा है और इसका एक लोट 2000 शेयर्स का था। यानी अगर आप इसके IPO में इन्वेस्ट करते तो आपको 1,30,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती। और अगर आपने इस IPO में इन्वेस्ट किया होता और आपको अलाउमेंट मिल जाती तो आपके 1,30,000 रुपये की वैल्यू बढ़कर 2,34,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी होती, लेकिन IPO में कुछ लिमिटेड लोगों को ही अलाउमेंट मिलती है। इसलिए आप जिस भी कंपनी के IPO के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपके 100% चांस नहीं है कि वो IPO आपको मिलेगा। जैसे अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आने वाला है, इस IPO के लिए हजारों लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन मार्केट में लिमिटेड ही शेयर्स होने की वजह से सभी को शेयर्स मिल पाना इम्पॉसिबल है। और अगर आपको IPO में अलाउमेंट नहीं मिलती है तो आपको आपके सारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। तो आई होप आपको IPO के बारे में सब कुछ अच्छे समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।